So hello everyone, welcome to our YouTube channel Backpacker Guri. So we are in Udaipur, Rajasthan. हाँ जी, हम उदयपुर पहुंच चुके हैं. और लास्ट वीडियो में अगर आपने नहीं देखी, हम उदयपुर आ गए थे. उसमें बस जर्नी के सारी डिटेल बताई कैसे आप आ सकते हो अबोहर से. और ये है हमारा डॉग, देख सकते हो आप. ये ऊपर वाला हमारा है, ये हमें पड़ा है 450 का वन बेड. ठीक है, ये 10 बेड डॉग में और बहुत ही ऑथेंटिक लुक है. और आज आपको अभी मैं पहले ये हॉस्टल का टूर कराऊंगा सारा, फिर आपको बाहर का एक आइटम एक और चीज दिखाएंगे. चलो मिलते हैं. ये हमारा डॉर्म है 450 और बाकी इनका कॉमन एरिया, इनका व्यू पॉइंट. पिछली वीडियो मैंने क्लिप्स दिखाया था, अभी पूरा दिखाऊंगा. चलो मिलते हैं. सो भाई, ये हमारे डॉर्म के बाहर का लुक. ये कॉमन एरिया आ गया. ये ऊपर स्टेयर के जाती हैं कैफे के लिए, जो इनका खुद का होता है. ये हमारा कॉमन एरिया और कैफे. कैफे आपको रात को भी दिखाऊंगा. ये भी एक कॉमन एरिया. ये हम थर्ड फ्लोर पे हैं अभी, ठीक है ना. होटल पोस्टर मंत्रा उदयपुर, बहुत कलरफुल है. चलो अभी आपको थोड़ा सा नीचे दिखाते हैं, फिर हम चलते हैं यहाँ से मार्केट तक. हमारी टिकट भगोरे हवेली म्यूजियम की. ये है गंगोर घाट, ये म्यूजियम है. और रात को यहाँ पे फोक डांस होता है, तो रात को हम वहाँ पे भी जाएंगे. मतलब शाम को 5:30 बजे वो मिलेगी टिकट पैसे. किसने थी, ये जो प्राइम मिनिस्टर थे 18 सेंचुरी में, मेवाड़ के जो प्राइम मिनिस्टर थे 18 सेंचुरी में, अमर चंद जी ने बनवाई थी यहाँ पे. ये हवेली शुरू की थी, उसके बाद उनके बाद टेक ओवर करते करते कि अब ये इंडियन गवर्नमेंट के अंडर है. और ये म्यूजियम वाला पार्ट है जो आप पीछे देख रहे हो सारा. अब दिखाते हैं इसका म्यूजियम. पहले वो कुछ 12 महाराजों की मूर्ति बनी हुई थी उधर, और अब हम म्यूजियम में आ गए. ये म्यूजिक मतलब गेट की एंट्री का. अब हम ऊपर जाएंगे, देखते हैं ऊपर क्या है. छत देखो कितनी है. चलो सभी, यहाँ पे लेक का व्यू. और ये म्यूजियम जो कि हवेली के टॉप फ्लोर पे बना है. अब तो बाकी और बिल्डिंग और ऊपर हो गई हैं, और उस टाइम के हिसाब से ये इसका थर्ड फ्लोर है. Thank you.
खास है नहीं इस म्यूजियम में। हाँ वो नष्ट हुआ है, मतलब ठीक है देखो वर्ल्ड बिल्डिंग है, पर वो म्यूजियम उन्होंने बस कोई हिस्ट्री नहीं लिखी, कुछ नहीं लिखी, बस ऐसे बना दिया। चलो निकलते हैं अब यहाँ से, फिर चलते हैं कहीं और। बस यहाँ का एक प्लस पॉइंट है, यहाँ से लेक का व्यू बहुत अल्टीमेट आएगा। वो ऊपर था, मैंने एक सी क्लिप है, पर वो सेम व्यू मुझे मतलब अपने हॉस्टल से भी मिल रहा है, इतना उस वजह से खास नहीं लगता। फिर अभी अब हम आए हैं रॉयल वेडिंग वाली साइड जा रहे हैं म्यूजियम में। ये कुछ इंटरेस्टिंग है, ये मतलब बाकी चीज़ों से अलग है। सबसे पहले ये आएगा यहाँ पे, क्या होता है लगन, मतलब लगन का मुहूर्त, मतलब डेट फिक्स कर रहे हैं यहाँ पे, ये उस चीज़ का है। फिर ऐसे ही मतलब वो आगे आगे रस्में दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया मेहंदी वाला म्यूजिक वाला सारा, उसके जो प्रोग्राम होता है हल्दी पिठी इनको कहते थे, जैसे अभी चलता है वैसा ही फंक्शन है यहीं पर, यहाँ पर भी, बस अब इतना कल्चर वाला नहीं हुआ ये। अब इसके बाद होगा यहाँ पे बारात वाला सीन, बारात वहाँ भाई दो हाथी और ये बारात, और ये सिपाही खड़ा पीछे, बराती आ गए सारे इनके। और फिर यहाँ पे आ गया सासू आरती, मतलब जब बारात लेके पहुँचे जो लड़की की माँ होती है वो आके आरती उतार रही है। यहाँ पे आरती भी, और उसके बाद आ गया इनकी शादी, मतलब सात फेरे जो उनके होते हैं वो होंगे। ये चीज़ मुझे बढ़िया लगी जो इन्होंने दिखाई है, फिर लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे अब ये आ गया जहाँ पे इनको जो मतलब ड्रिंक्स वाली रस्म होती है, मेरे हिसाब से वही है लिखा हुआ, पर वो मिट गया है जो वही है। ड्रिंक्स ढूंढते हैं वो घर पे आके, वो रस्म करते हैं, वो भी रस्म का ये सीन है। ये सारे भगवान पड़े अब यहाँ पे सीन बना हुआ है विदाई का, जो लड़की की जब विदाई होती है ऐसे लेके जाते थे, हमने फिल्मों में बहुत देखा है। जैसे फिर विदाई का पीछे ये रहे विदाई। अब ये चीज़ बढ़िया थी यहाँ पे रॉयल वेडिंग वाली जो इन्होंने दिखाई है, चलते अब भी वही अनुवाद सब वही हैं, पर इन्होंने जो चीज़ पहले दिखाने चाहते थे वो दिखाई नहीं, कुछ भी म्यूजियम में कुछ खास था नहीं। पर रॉयल वेडिंग वाली साइड आप जरूर आना अगर आप यहाँ पे आ रहे हो। अब इन चीज़ का मैं आपको सब बताता हूँ, ये तीन है शॉर्ट गन्स होगी और ये मज़ा लोडर गन है, ठीक है। अब इतना बताऊँ जो तीन नीचे वो पड़े, एक ये एक ये एक ये, इनमें होता था गन पाउडर, ये गन पाउडर इन सब में भरा जाता था, और जो जे है ना इसके जरिए ही भरा जाता था। एक वो एक ऊपर भी ये रहा देखो, सो ये गन पाउडर से हैंड बाय हैंड इनको रिफिल करते थे, बाकी इनके तीर कमान सब हैं, ढाल वगैरह पूरा उनका सूट उस टाइम का। सो बाय बाय करते हैं इस ब्यूटीफुल हवेली को। सो भाई हम आ गए थे हॉस्टल में, और अभी आपने जो क्लिप देखी है सनसेट की वो हमारे रूफटॉप से था, ये मतलब इनके कैफे से था, सनसेट पॉइंट है ये भी एक तरह का। और वो कॉम्प्लीमेंट्री चाय थी और हम वहाँ नहीं जा पाए इसकी वजह से, क्योंकि हम सनसेट इंजॉय कर रहे थे, इसलिए हम वो फोक डांस वाला नहीं जा पाए। कोई ना, फोक डांस वाला हम कल कर लेंगे, और कल सुबह भी हमारा एक प्लान है कहीं जाने का, एक टूर पैकेज है वो देखेंगे, बहुबली हिल्स का कोई है ऐसा कुछ है, मुझे खुद नहीं पता ज़्यादा, कल पता लगेगा सारा वो। और बस आज आपको दिखाते हैं इनका रूफटॉप कैफे में, हॉस्टल में कैसे फ़न होगा, क्या सीन चलता है, कुछ नहीं आइडिया। चलो अब चलते हैं ऊपर और चिल करते हैं। I'm going to try. Never smile. Oh, my God. 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 Oh, my God.
From Korea. All of what he shared, so it's from Korea. My money for that song. West Virginia.